भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला जिसका नाम स्वयं भगवान शिव के नाम पे पड़ा है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी भी कही जाती है। जी हाँ डियर व्यूअर्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं शिवपुरी जिले की। शिवपुरी जिला ग्वालियर संभाग में शामिल है। शिवपुरी का प्राचीन नाम सिपरी था। शिवपुरी शहर को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। वर्ष 1804 तक इस शहर को कछवाहा राजपूतों का स्वर्ग कहा जाता था। शिवपुरी ग्वालियर के सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रहा है। शिवपुरी जिले को मिनी शिमला कहा जाता है। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी होने का गौरव भी प्राप्त है। शिवपुरी में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान की एक पहाड़ी पर जॉर्ज कौशल भवन स्थित है। शिवपुरी में प्राकृतिक कुंड भदैया कुंड स्थित है। इसके अलावा 1857 की क्रांति के नायक तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1869 में शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी के जाधव सागर के निकट है। प्यारे दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वो जो बेल आइकन के बगल में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी जिले का गठन 1956 में हुआ था। तहसीलों की बात की जाए तो शिवपुरी, कोलारस, नरवर, पदरवास, बैराड, करेरा, घनिया थाना और पिछोर शामिल हैं। इसके अलावा पड़ोसी जिलों की बात की जाए तो मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना और अशोकनगर शामिल है। वहीं राज्यों के साथ सीमा की बात की जाए तो राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का झांसी शामिल। और 2011 के हिसाब से यहां की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 17,25,782 है। और वहीं साक्षरता दर की बात की जाए तो 64.43% है। यहां के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 10,666 पर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला भी है। यहाँ पर कछारी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कृषि के मामले में सोयाबीन, चना और गेहूं की अच्छी खासी खेती होती है। अगर प्रमुख नदियों की बात की जाए तो शिवपुरी जिले में पार्वती नदी, सिंध नदी और कूनो नदी एवं बेतवा नदी बहती है। पार्वती नदी, सिंध नदी तथा कूनो नदी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी शिवपुरी और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना और भंडेर परियोजना या माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इससे मध्य प्रदेश के शिवपुरी, दतिया आदि जिले लाभान्वित होते हैं। शिवपुरी जिले में आरक्षित वन क्षेत्र 3,433 वर्ग किलोमीटर हैं। यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र पाया जाता है। इन वनों को कटीले वन भी कहा जाता है। जिले में सामान्यतः खैर, करधाई, जौ, सलाज, तेंदू, पाल, जामुन, करील, महुआ, कोहा, साजा, सेमल और अमलतास के पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसे मिनी शिमला भी कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की बात की जाए तो यहां माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं करेरा वन्यजीव अभयारण्य है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में आता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसके अलावा करेरा वन्यजीव अभयारण्य भी यहीं पे है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इस जिले में प्रमुख जनजाति की बात की जाए तो सहरिया जनजाति पाई जाती है। बुंदेली और सहरिया यहाँ की प्रमुख भाषा है। और अगर यहाँ के खनिज की बात की जाए तो सीसा और डायस्पोर उच्चतम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर सिद्धेश्वर बाण गंगा का मेला भी लगता है। शिवपुरी शहर के पूर्व में जाधव सागर झील के निकट प्राचीन सिद्धेश्वर बाण गंगा शिव मंदिर स्थित है। सिद्धेश्वर बाण गंगा मंदिर 52 पवित्र कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्राचीन मंदिर के पास मेला लगता है और यहीं पर पीर भुधान का मेला लगता है। शिवपुरी जिले के सांवरा क्षेत्र में
ये मेला अगस्त सितंबर में लगता है। ये मेला लगभग 250 वर्षों से अधिक समय से लग रहा है। नरवर का किला यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। शिवपुरी जिले में नरवर का किला काली सिंध नदी के पूर्व में एक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई भूस्तर से लगभग 500 फीट है। लगभग 8 किलोमीटर में फैला ये किला राजा नल व दमयंती की प्रेम कथाओं से जुड़ा है। इसके साथ रानीघाट भी यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। नरवर ग्वालियर मार्ग पर रानीघाट एक ऐतिहासिक स्थल है। मान्यता है कि इस स्थान पर राजा नल का जन्म हुआ। रानीघाट पर कई ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर और खंडर अवस्थित है। यहाँ विशाल जानकी मंदिर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने शिवपुरी जिले से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की है। अगला वीडियो आपको किस प्रदेश या किस शहर या किस जिले का चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।